हेलो सो वेलकम बैक टू माय चैनल सत्यम गीक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सितंबर के महीने में गोवा जाने वाले हैं ना, सोच रहे हैं कि गोवा में कोई ऐसे इवेंट्स जिनको आप अटेंड कर सकते हैं, तो आज ये वीडियो आपके लिए। बिकॉज जब भी हम गोवा जाते हैं तो लोकल चीज़ें जैसे बीचेस हैं वो तो हमेशा घूम रहे थे, लेकिन जो गोवा की जो लोकल एक्चुअली जो हेरिटेज है, जो कल्चरल जो इवेंट्स है, अगर आप थोड़ा सा भी उसमें इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बिकॉज ये गोवा का एक बोट फेस्टिवल है, ये गोवा का एक सेलिब्रेशन है, ये गोवा का एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ, ये है संगोट उत्सव। बाकी जगहों के जो ट्रेडिशंस हैं गणेश जी को विसर्जन करने के, वो अलग है, लेकिन गोवा का एकदम अलग कल्चर है, एकदम अलग। देखिए पहले बात कर रहे थे गोवा फेस्टिवल ये है क्या, कि बेसिकली जो गोवा का संगोट फेस्टिवल है दैट इज़ बेसिकली अ फेस्टिवल ऑफ गणेश विसर्जन, बट इट इज़ सेलिब्रेटेड इन अ डिफरेंट ट्रेडिशनल वे। जैसे बाकी आपके शहरों में भी हम लोग जाते हैं, नदी में जाके महाते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। गोवा का जो संगोट फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल में बेसिकली गोवा के आसपास के लोग, गांव के लोग अलग अलग ड्रेसेस में, जैसे कोई आपका वेयर करेंगे किसी रूम में, कोई किसी ने अपने बॉडी पेंट कर रखी होगी, किसी ने पहना हुआ होगा, किसी ने कुछ किया होगा, एंड सब लोग अलग अलग तरीके से बोट पे आते हैं। बोट सजाई जाती है, इसको बोलते हैं कैनोइंग्स। फिर 8 से 15 बोट के पीछे बोट सजाई जाती हैं, जिसमें अलग अलग लोग, इसमें लोग अलग अलग कैरेक्टर्स में आते हैं, एंड इस कैरेक्टर में आने के बाद ये सब लोग उस पर्टिकुलर जगह के लिए नदी के ऊपर, कैनल के ऊपर 7 से 8 राउंड लगाते हैं। उसके बाद जो है हमारे गणेश जी को विसर्जित करते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस फेस्टिवल को ऐसे क्यों मनाते हैं, आज मैं आपको बताता हूँ। इस फेस्टिवल की जो कहानी है लगभग 15th century की है। 15th century में एक फैमिली थी जिनको हम बोल सकते हैं वर्टिकल फैमिली। वर्टिकल फैमिली के पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे गणेश जी को विसर्जन करने के, तो उन्होंने क्या किया, अपने पास के कैनाल में, जिसको हम लोग आज के टाइम में बोलते हैं मेडिसिन कैनाल, यहाँ पे जाकर उन्होंने गणेश जी को विसर्जित किया। उनके पास पैसे न होने की वजह से उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने अपनी बॉडी को पेंट किया, जो भी किया, पर धीमे धीमे पिछले लगभग 5 सालों में ये फेस्टिवल इतना डेवलप हो गया कि गोवा का एक नेटिव फेस्टिवल बन गया। ये देखिए गोवा का ये संगोट फेस्टिवल 7th day ऑफ गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। जैसे मान लीजिए इस साल सितंबर के महीने में ये फेस्टिवल आपका गांव के लोग अलग अलग ड्रेसेस में, जैसे कोई आपका वेयर करेंगे किसी रूम में, कोई किसी ने अपने बॉडी पेंट कर रखी होगी, किसी ने पहना हुआ होगा, किसी ने कुछ किया होगा, एंड सब लोग अलग अलग तरीके से बोट पे आते हैं। बोट सजाई जाती है, इसको बोलते हैं कैनोइंग्स। करीब 8 से 15 बोट के पीछे बोट्स सजाई जाती हैं, जिसमें अलग अलग लोग, इसमें लोग अलग अलग कैरेक्टर्स में आते हैं, एंड इस कैरेक्टर में आने के बाद ये सब लोग उस पर्टिकुलर जगह के लिए नदी के ऊपर, कैनल के ऊपर 7 से 8 राउंड लगाते हैं। उसके बाद जो है हमारे गणेश जी को विसर्जित करते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस फेस्टिवल को ऐसे क्यों मनाते हैं, आज मैं आपको बताता हूँ। इस फेस्टिवल की जो कहानी है लगभग 15th century की है। 15th century में एक फैमिली थी जिनको हम बोल सकते हैं वर्टिकल फैमिली। वर्टिकल फैमिली के पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे गणेश जी को विसर्जन करने के, तो उन्होंने क्या किया, अपने पास के कैनाल में, जिसको हम लोग आज के टाइम में बोलते हैं मेडिसिन कैनाल, यहाँ पर जाकर उन्होंने गणेश जी को विसर्जित किया। उनके पास पैसे न होने की वजह से उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने अपनी बॉडी को पेंट किया, जो भी किया, पर धीमे धीमे पिछले लगभग 5 सालों में ये फेस्टिवल इतना डेवलप हो गया कि गोवा का एक नेटिव फेस्टिवल बन गया। ये देखिए गोवा का ये संगोट फेस्टिवल 7th day ऑफ गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। जैसे मान लीजिए तो इस साल ये आपका फेस्टिवल 13th of September को गोवा में मनाया जाएगा, मैरिज के ऊपर।
इस विलेज को जो इस टाइप में जो सेलिब्रेशन है ये देखने वाले होते हैं। इट इज़ सो अमेजिंग, सो कलरफुल। लोग वहाँ पे कलर से खेल रहे हैं नदी के ऊपर, उन्होंने अपनी बॉडी पेंट की हुई है, कोई आपका शेर बना हुआ है, कोई कैमल बना हुआ है, किसी ने कोई सांप बना हुआ है, कोई गॉड बना हुआ है, कोई अलग अलग कैरेक्टर्स में लोग आके बोट सजाते हैं, अलग अलग बोट सजाई जाती है एंड जबरदस्त सेलिब्रेशन होता है। अगर आप गोवा जाने वाले हैं इस फेस्टिवल को प्लीज़ अटेंड कीजिए, इससे आपको गोवा का जो कल्चर के बारे में जानने का आपको बहुत मौका मिलने वाला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, गोवा में 30 सितंबर को इसकी, हाँ, सबसे बड़ी चीज़, इसमें कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग ब्रिज के ऊपर जाएंगे, ब्रिज के ऊपर जाने के बाद जैसे आप कैनल को देखेंगे, वहाँ पर वो जो बोट्स है, जो कैनोइंग्स है, जो फेस्टिवल की बेसिकली जो जो आपके होस्ट हैं, जो इसके लिए आप उस इवेंट के पार्ट है, वो बोट पे बैठ के 7 से 8 मिनट रहेंगे विद म्यूजिक, कलर्स एंड कैरेक्टर्स एंड डांस फॉर्म एंड एवरीथिंग। सो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, एंड अगर हमें गोवा जाने वाले हैं तो इसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की। इसकी लोकेशन जो है, अगर आप नॉर्थ गोवा में घूमने वाले हैं, बाका या कैलिकुट बीच के पास, वहाँ से आपको इसकी लोकेशन लगभग 30 किलोमीटर्स पड़ने वाली है। मतलब मान लीजिए कि लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे लगने वाला है यहाँ तक पहुँचने में। इसके अलावा अगर आप लोग पंजी पे हैं, जो लगभग आपसे वहाँ से करीब 15 से 20 किलोमीटर है, तो जल्दी वहाँ से आप लोग पहुँच सकते हैं। एंड इस फेस्टिवल को साल में केवल एक बार ये फेस्टिवल होता है, एंड ये गणेश विसर्जन, बिलीव मी, इज वन ऑफ द बेस्ट गणेश विसर्जन दैट इज बीइंग सेलिब्रेटेड विद द कल्चरल ट्रेडिशनल कस्टम्स इन द कंट्री, ऑल अक्रॉस द कंट्री, एंड This is certainly a different thing altogether. Do not miss this festival. It's absolutely free of cost. कोई charges नहीं है, बिल्कुल free of cost है आपके लिए। बिल्कुल जाइए, celebrate कीजिए। याद रखिए, date is 13th of September 2024. Thank you so much, and I hope that you are going to have fun in this festival. Thank you so much.